साइज 6.6 क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। यस सर। अच्छा इसमें दिया कि नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम। ओके 10 वाला तुम लोग का आता है, 10 वाला भी देख लो। निखिल ज़्यादा बातें हो रहा है तो इसमें 10th क्वेश्चन, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर टॉप, मतलब यहाँ से आता 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन वाटर 3.6 मीटर अवे। ओके तो यहाँ से यहाँ तक कितना 2.4 प्लस 1.2 दैट इज 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। ओके ये बोलो क्लियर, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद एज्यूम दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रॉड ऑफ द फ्लाई इज टॉट, मतलब एकदम टाइट है, इसे लूज नहीं है, ठीक है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, जो कितना स्ट्रिंग बाहर की तरफ है। ओके ये जो स्ट्रिंग है ना, कितना स्ट्रिंग बाहर की तरफ होगा फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, इफ सी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो है बार बार पुल कर रहे हैं कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके तो मतलब 12 सेकेंड के बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकेंड के बाद यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना होगा। ओके व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम, पहले क्या था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, द टिप ऑफ द फिशिंग रॉड 1 पॉइंट अबव एंड द सरफेस ऑफ वाटर एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.4 और यहाँ से यहाँ तक 1.2। तो 12 सेकंड के बाद इसके साथ इसका डिस्टेंस कितना होगा और ये पोजीशन कितना होगा फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले चेक कर लो, ये देख फर्स्ट पोजीशन, इसके दो दो डायग्राम बना लेना, ठीक है। इसे वाला कितना था 1.8 और ये वाला कितना था 2.4, तो नाम दे दिया गया इसमें ए बी ई, इस वाले ट्रायंगल में ए कितना है 1.8, बी कितना है 2.4, तो हम लोग का ए बी फाइंड हो जाएंगे किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके ए कितना है 1.8 का होल स्क्वायर, ए कितना है 2.4 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करके ए बी का वैल्यू कितना रहा है 3 मीटर। ओके तो ए बी का वैल्यूज हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यूज कितना हुआ 3 मीटर, ये बोला गया 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग पुल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर पुल करते हैं, तो स्ट्रिंग पुल इन 12 सेकेंड्स कितना होगा 60 सेंटीमीटर, 5 × 12 60 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया तो 0.6 मीटर। अभी ये जो डिस्टेंस होगा एडी का, जो डिस्टेंस होगा पहले तो ए बी था, अभी पुल कर दिया तो दैट मीन्स थोड़ा सा छोटा हो गया, तो पहले कितना था 3, पुल कितना 0.6, तो बचेगा कितना 2.4 माइनस किया 3 माइनस 0.6 माइनस कर, तो ये वाला कितना होगा 2.4, क्लियर। तो अभी 2.4 बचा है, ठीक है। अभी देखो इसमें 1.8 यहाँ से यहाँ तक यही, और ये वाला हो गया 2.4, तो ईडी फाइंड हो जाएंगे। ईडी फाइंड करने के बाद हम लोग को बोला था यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड कर, तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 1.2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो ए डी ट्रायंगल में ये कितना ए डी 90 डिग्री है,
তো এই কাজ স্কোয়ার প্লাস ডি কাজ স্কোয়ার হলো এডি কাজ স্কোয়ার, দেখো এই বললাম এই কাজ স্কোয়ার প্লাস ডি কাজ স্কোয়ার হলো এডি কাজ স্কোয়ার, এডি কিতনা আয়া থা 3.6 চলে গেছে, 2.4 ই 1.8, তো ডি কে ভ্যালুস আ যায়গা, ডি কে ভ্যালুস দেখো, ডি কো এক্স মান লিয়া 1.8 কা হোল স্কোয়ার 3.24 আর এ বলা 22.4 কা স্কোয়ার দ্যাট উইল বি 8.76, ওকে এ বলা থা না 2.4, এ বলা কিতনা থা 1.8, তো সলভ করোগে 5.76 মাইনাস 3.24 তো এক্স ইকুয়ালস টু কিতনা আয়েগা 1.587 অ্যাপ্রক্স আ যায়গা, ওকে তো ডিস্টেন্স অফ দ্য গার্ল কিতনা হোগা, ये वाला 1.2 था, यहाँ पे वैल्यूज हम लोग का फाइंड कर दिए, दोनों का ऐड कर देंगे x प्लस ई सी तो 1.59 प्लस 1.2, ठीक है, यहाँ पे जो आ गया था देखो शॉर्ट ये कितना आया था 1.587 यहाँ से यहाँ तक ई से डी तक, और इसे ये जो बेस लाइन कितना था 1.2, ठीक है 1.2 था, तो अब ये दोनों को ऐड कर दो, यहाँ था 1.59, यहाँ से यहाँ तक आया 1.59 एटी अरे बोला 1.2, तो 1.59 1.2 ऐड करोगे तो आ जाएंगे 1.59 प्लस 1.2 2.79 मीटर। तो इस टाइप में ये जो है ये जो टिप है वो कितना दूर में है, दैट इज 2.79 मीटर दूर में है, ठीक है कैलकुलेशन पकड़ा है, ठीक आगे तो इसमें क्या होगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जो ओरिजिनल जस्टिन आउटसाइड में था उसका डिस्टेंस आ जाएंगे, उसके बाद रेट इनटू टाइम करोगे तो कितना डिस्टेंस पुल किया पता चल जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे उसको माइनस करोगे 3 से, ठीक है ना, और एक सेकेंड में कितना था 6 5 एक सेकेंड में कितना 5 था ना, यस सर, तो 12 सेकेंड में कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, तो 3 था 0.6 और पुल कर लिया तो बचा कितना 2.4, तो 2.4 हाइपोटेन्यूस हो जाएंगे, 1.8 परपेंडिकुलर होगा, बेस फाइंड होगा, बेस कितना फाइंड हो जाएंगे 1.587, तो 1.587 के साथ 1.2 फिर ऐड कर दोगे, फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, आगे समझ चलो देवाया, अच्छा तो कॉपी देखो कॉपी से